نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين آج إن شاء الله سورة الحج کی آية نمبر 19 سے شروع کریں گے. और इससे पहले जो है थोड़ा सा पीछे से देखेंगे कि जैसे कि आई नंबर सिक्सटीन में देखें कि वहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया और ये कि जिसमें कुरान में क्या है आयातम बीनात हैं बहुत वाज खुली और बिल्कुल क्लियर जो है आयात है यानी जो एहकाम हैं जो बातें हैं जिन बातों को करने का कहा गया जिनसे रोका गया जो कुछ भी बताया गया वो सब के सब क्या है बइनात हैं रोशन है बहुत वाजें हैं और ईजीली उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है उनको समझा जा सकता है और ये कि अक़ल जो है आसानी से उन बातों को मान सकती है और ये के यानी कुरान क्या है आयातम बइनात है रोशन आयते हैं और फिर अल्लाह जिसके जिसको चाहता है इस कुरआन के जरिए से हिदायत देता है और ये चीज भी हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि अल्लाह सुबहाना किसको हिदायत देते हैं जो अपने लिए हिदायत और रहनमाई को चाहता है यानी किस तरह से कि जब उसे आयात की समझ आ जाती है बात वाज हो जाती है तो फिर जब वो उनको अपनाना चाहता है उन अहकाम पर अमल करना चाहता है तो अल्लाह सुबहाना उसको इस बात की तोफ़ी दे देते हैं कि वो नेकियों को कर जाता है और बुराइयों से अपने आप को बचा लेता है तो लह सुहा कुरान के जरिए जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं और अब कुरान अपने आप में जो अल्लाह सुबहाना ताल की तरफ से एक हिदायत है उसकी आयात बीनात है, हैं बहुत वाजे हैं इसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी वाजे बातें थी और इतनी जैसे कह लें कि अक़ल को टच करती हुई बातें हैं यानी अकल जो है आसानी से इन चीज़ों को कबूल कर सकती है लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ कि सारे लोग ईमान नहीं लेकर आए सब लोगों ने जो है कुरान से हिदायत नहीं ली बल्कि क्या है कि कुछ लोग हैं जो कि ईमान लेकर आए कुछ हैं जो यहूदी हैं यानी मुख्तलिफ मुख्तलिफ ग्रोह ना हमें नजर आ रहे हैं कुछ शोब इन है जो कि सितारा परस्त हैं कुछ नसवारा हैं ईसाई हैं और मजूस हैं जो कि आग की परस्तिश करते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि क्या है अशरकू जो कि मुशरक हैं और अब ये सारी ग्रोहबंदियां हैं क्लियर आयात होने के बावजूद भी डिफरेंट ग्रुप्स बन गए अब क्या है कि हर ग्रोह क्या कहता है कि मैं दुरुस्त हूँ और अला सुबह तला क्या फरमा रहे हैं कि इनके बीच में अल्लाह जो है तलामत के रोज है वो फैसला कर देंगे अब होना तो ये चाहिए था कि यानी इतनी वाज आयात के बाद इतनी वाज हिदायत के बाद हर कोई जो है अल्लाह सुबहाना तला की हिदायत के सामने सर झुका देता उनको मान लेता और अपना लेता लेकिन ऐसा नहीं हुआ डिफरेंट ग्रो बन गए फिर मिसाल देकर बताई गई कि ये देखो यानी है तो क्या कि कायनात की तमाम चीजें जो हैं अल्लाह सुबहाना ताली के लिए सजदा रेज हैं और सजदे को हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये लाजिम नहीं है कि एक फिजिकल सजदा जो है बाकायदा यानी जिसम को झुका कर सजदा मुराद नहीं है बल्कि क्या है यानी हो सकता है कि कायनात की चीज़ें इस तरह से भी सजदा करती हैं और हम उनको नहीं जानते हम नहीं उस चीज़ का शौ रख सकते लेकिन सजदा अपने आप में क्या है अतात का नाम है कि जब आप किसी के लिए सजदा करते हैं इसका मतलब है कि आपने अपने आप को उसकी अतात और फरमाबरदारी में दे दिया आपने कहा कि अब मेरी मर्जी नहीं है बल्कि क्या है कि जिसके सामने मैं सजदा रेज हूँ उसकी मर्जी के मुताबिक जो है मेरा हर काम मेरा हर अमल होगा तो कायनात की हर चीज़ अल्लाह सुबहाना लिए सजदा करती है किस तरह से कि हर चीज़ जो है उसके ताबे है अल्लाह सुबहाना तकर्र करदा कवानीन के मुताबिक जो है कायनात की एक एक चीज जो है अपने काम को सर अंजाम दे रही है और ये कि अपनी अतात में वो क्या है मुसलसल लगे हुए हैं कहीं पर भी थोड़ी सी भी हमें जैसे कह लें कि तजावज करते हुए नहीं नजर आते और क्या है कि इंसानों में से भी यानी कायनात की सारी चीजें तो क्या है अल्लाह सुबहाना अतात में लगी हुई हैं उसके लिए सजदे में है और इंसानों में से भी क्योंकि इंसान को फ्री विल गई इंसानों में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अल्लाह के सामने सजदा करते हैं में, क्या अल्लाह की ततात और फर्माबरदारी में ये जिंदगी गुजारते हैं लेकिन बहुत सा सारे ऐसे भी हैं जो कि इस दायरे अतात से बाहर हो जाते हैं यानी नहीं मानते और ये कि नाफरमानी का रास्ता लेते हैं और ये जो नाफरमानी का रास्ता लेते हैं तो उनका अंजाम क्या है कि हक का आज़ाब के ऐसे लोगों पर फिर यानी अः अजाब क्या है वो लाजिम है कि उनको आकर मिलेगा ऐसे लोग जो के दायरे अतात से निकल जाते हैं नाफरमानी की तरफ आ जाते हैं हदों को क्रॉस कर जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या है अजाब क्या है लाजिम है और फिर अल्लाह सुबहाना तला हैं कि जिसको अल्लाह जलील कर दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है जिसको अल्लाह जलील कर दे उसको कोई दुनिया की ताकत जो है ना फिर इज्जत नहीं दे सकती और अल्लाह सुबहाना तला जो चाहता है जैसे चाहता है वैसे ही करता है और ये यहाँ पे देखें कि बात हुई अतात तो और फ्रामदारी की कायनात की हर चीज़ जो है वो अल्लाह तआला की अतात में है इंसानों में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अल्लाह की अतात में है लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि अतात से बाहर निकल गए उनके लिए अजाब है और साथ ही जो है जिल्लत की बात है बेइज्जती की बात है तो बेसिकली अजाब का और जलील होने का आपस में क्या है कि जब वो लोग जो कि अल्लाह सुबहाना की अतात से बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे में उन पर अजाब जो है वो लाजिम आएगा और अल्लाह सुबहाना तला किसी की पकड़ करे उसको सजा दे उसको अजाब दे ये बात क्या है अपने आप में बहुत ही यानी जैसे कह लें कि किसी की बहुत ज्यादा तजलील है इस बात में ये बात जो है ना बहुत ज्यादा जिल्लत और रसवाई की है कि अल्लाह सुबहाना तला उसकी पकड़ करे उसको अजाब दे और ये कि उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाए यानी जस्ट इमेजिन कि ये किस तरह से है कि जैसे कि यानी क्यामत के रोज जो है अब ये चीज़ जो है ना कि यानी उस चीज़ का आना कि ज़िल्लत यानी अल्लाह सुब्ल की पकड़ का होना और ये कि जो नाफरमान है उनके हिस्से में कभी इज्जत नहीं आती वो हमेशा जलील ही होते हैं तो बेसिकली इसमें अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें क्या है कि असल इज्जत इंसान की क्या है झुकने में है अल्लाह सुबहाना तला के सामने झुकने में है और यही जिसे कह लें कि ट्रू ऑनर है और जब इंसान अल्लाह के सामने झुकने से इनकार कर देता है नाफरमानी की तरफ जाता है तो यकीन करें कि बेशक सारी की सारी दुनिया उसको इज्जत दे रही है एक्चुअली क्या है वो इज्जतदार नहीं है असल इज्जतदार कौन है जिसे अल्लाह सुबहाना इज्जत दे और अल्लाह सुबहाना ताल किन को इज्जत देता है जो कि उसके सामने झुक जाते हैं जो कि आजजी इख्तियार करते हैं जो कि इंकसारी इख्तियार करते हैं और ये बात हम बहुत आसानी से देख सकते हैं इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दुनिया में जितने भी लोगों को इज्जत दी जाती है उस इज्जत वो इज्जत जो है ना बेसिकली कनेक्टेड होती है किसी ना किसी चीज के साथ यानी किसी को बहुत उसके मालो दौलत की वजह से लोग जो इज्जत दे रहे होते हैं और ये कि किसी को जो है अः उसकी किसी और सलाहियत की वजह से यानी मुख्तलिफ चीजें होती हैं किसी की डिग्री की वजह से किसी की पोजिशन की वजह से किसी की अथॉरिटी की वजह से और ये आपने देखा होगा कि जैसे ही ये चीजें इंसान से हटती हैं तो लोग उनकी तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखते उनको सलाम तक करना भी पसंद नहीं करते इवन के जान छुड़ा रहे होते हैं कि कहीं आज ये हमसे कोई काम ना कह दें तो बेसिकली ये क्या है ये बड़ी आ, जिसे कहने की आर्जी सी इज्जत होती है लेकिन ये कि जो अल्लाह सुबहाना तला के नेक बंदे होते हैं ये फरमा में जो है मुसलसल होते हैं तो सुबहान अल्लाह उनकी इज्जत भी क्या है पायदार होती है वो चीजों के साथ नथी नहीं होती और दूसरी तरफ देखें यानी ये दुनिया की हद तक मामला था कि असल इज्जत किस में है अल्लाह सुबहाना तला के सामने झुकने में और आखरत में भी देखें कि यानी क्या है कि वो शख्स जो कि अल्लाह सुबहाना तला का नाफरमान बन जाएगा उस पर क्या है अजाब लाजिम है और जब अजाब मिलेगा तो ये बात उसके लिए क्या है जिल्लत का वाइस बन जाएगी और जस्ट इमेजन के क्या के रोज यानी इस चीज़ को यानी दुनिया में भी देखें क्या होता है कि जैसे सपोज आज कल ये थोड़ा सा वेदर हो रहा है स्नोई वेदर हो रहा है स्लिपरी होता है तो हर इंसान जो है बहुत एहतियात के साथ जो है वॉक कर रहा होता है कि कहीं स्लिप ना हो जाए और खुदा ना खास्ता अगर कहीं इंसान स्लिप हो जाए गिर जाए तो चोट लगने से ज्यादा जो है ना इंसान को फिक्र होती है कि जल्दी से मैं इधर उधर देखूं कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया यानी काइंड ऑफ एम्बेसिंग होता है कि हमारे किसी जानने वाले को तो नहीं यानी नजर आ गया कि मैं किस तरह से गिरा लड़खड़ाता हुआ और यानी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर तो ये इंसान के लिए यानी क्या होता है कि आप अंदर ही अंदर जो है बेजती महसूस करते हैं तो वहां पर जस्ट इमेजन इस चीज को करें कि क्या मत के रोज जो है अल्लाह सुबहाना ताला यानि सब लोग इकट्ठे होंगे सब लोग एक दूसरे को जान रहे होंगे पहचानते होंगे और सब लोगों के बीच में यानी क्या है कि इंसान की पकड़ हो और उसे पकड़ कर जहनों में धकेल दिया जाए ये बात उसके लिए क्या है बहुत ही ज्यादा जिल्लत का बाई की बायस बनेगी तो क्या है यानी मेन जो लेसन हमें पता चला था वो क्या है कि अल्लाह की किताब है आयातिम बीनात बहुत वाज आयात हैं और अल्लाह की किताब को जो लेता है अतात का रास्ता इख्तियार करता है तो क्या है ये चीज उसके लिए इज्जत का बायस बन जाती है ये अल्लाह सुबहाना तला के करीब जाने का उसके कुर्ब को पाने का जो है वो बायस बन जाती है और इस सेंस में भी देखें कि जब इंसान के जरिए अल्लाह सुबहाना कुर्ब हासिल करता है तो ये चीज उसको बुलंदी की तरफ लेकर जाती है क्योंकि अल्लाह सुबहाना क्या है ताला बहुत बुलंद है तो जो अल्लाह सुबहाना तला के करीब जितना करीब होगा वो उतना ही बुलंदी पर भी होगा और फिर इसके बाद जो है आय नंबर में अल्लाह तरमाते हैं हादानी हादानी खसमानी ये दोनों फरीक हैं जो कि क्या है झगड़ा करते हैं यानी बहुत ही झगड़े वाले हैं झगड़ने वाले फरीक हैं और किस बात में झगड़ा करते हैं इख्ता समूह झगड़ते हैं फिर बेहिम अपने परवरदिगार के बारे में यानी हर बात बहुत वाज बता दी गई आयातम बीनात है एक एक, एक हुक्म जो है क्लियर है एक एक वो बात जिससे कि अल्लाह ने मना किया है वो भी बहुत क्लियर है लेकिन फिर भी लोगों का क्या हाल है कि लोग जो है कुछ मान जाते हैं और कुछ क्या है नहीं मानते और ये बात भी याद रखें कि बीच की राह कोई नहीं है रास्ते सिर्फ दो ही हैं या अतात का या फर्माबरदारी का हक का या बातिल का तो यहाँ पे भी जो है ना देखें दो फरीक की बात हो रही है कि दो ग्रोह हैं और क्या है कि आपस में झगड़ते हैं अब इसमें से एक ग्रोह तो कौन सा है जो कि अल्लाह सुबहाना तला पर ईमान लिया ले है लेकिन अभी यहाँ पर किसका जिक्र है फल का फरू कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया यानी माना नहीं तो अब ऐसे लोगों का अंजाम क्या है कता कर दिए गए यानी काट कर रख दिए गए लहूम उनके लिए लिए कपड़े मिन आग के तो वो लोग जिन्होंने के अल्लाह सुबह तला के बारे में झगड़ा किया इख्तलाफ किया उसकी जात के बारे में उसके अहकाम के बारे में तो क्या है कि ऐसे काफिरों के लिए अल्लाह तला ने आग से बने हुए कपड़े जो हैं ऑलरेडी काट के रखे हैं अब ये देखें कि यहाँ पर ये बात भी कही जा सकती कि थी कि अच्छा उनके लिए आग के कपड़े जो हैं उनको दिए जाएंगे लेकिन स्पेशली जो है यानी ये कहा जा रहा है कि उनके लिए आग के कपड़े जो हैं वो काट दिए गए हैं काट देने से मुराद क्या है कि एग्जैक्टली exactly उनकी जिसे कह लें कि साइज के मुताबिक होंगे और जब एक होता है ना कि एक आ, फ्री साइज है यानी रेंडम्स है आ, आप एक बना बनाया साइज लेते हैं और आपको नहीं पता होता कि ये साइज आपके आपको पूरा आएगा या नहीं आएगा तो पूरा आ भी सकता है आप ले लेंगे नहीं भी आएगा तो आप उसको छोड़ देंगे यानी फॉर श्योर नहीं है गारंटेड नहीं है कि वो लिबास आप ही लेंगे लेकिन जब आप कोई साइज जो ड्रेस है वो अकॉर्डिंग टू योर साइज बनाते हैं अपनी फिट के मुताबिक उसको बनवाते हैं तो वो गारंटीड है कि हंड्रेड परसेंट आप ही का है आप ही को वो मिलेगा तो यहां पर भी क्या है कि कपड़े जो हैं आग के उनके लिए काट कर रख दिए गए हैं इट मींस के एग्जैक्टली जिसका है उसी को जाकर फिट होगा और वो लाजिम उसको मिलने वाला है यानी वो उस अजाब से उन आ, उस सजा से जो है वो बच नहीं सकता और फिर क्या है कि ना सिर्फ ये कि आग के कपड़े होंगे बल्कि क्या है युसअ डाला जाएगा फौकी ऊपर से रू सिम उनके सरों से अलहमीन खोलता हुआ पानी यानी क्या है कि सिर्फ आग के कपड़े नहीं होंगे बल्कि क्या है कि उनके सरों के ऊपर से जो है वो खोलता हुआ पानी जो है वो डाला जाएगा और जब खोलता हुआ पानी डाला जाएगा तो इससे क्या होगा युसहा पिघल जाएगा बिही उससे माँ हिम जो उनके पेटों में है वल जुलू और उनकी जिल्दें भी यानी उनके जब उनके ऊपर से खोलता हुआ पानी डाला जाएगा तो वो इस कदर जिसे कह लें कि हाई टेम्परेचर होगा कि क्या कर देगा कि उनकी पेटों में जो कुछ है और उनकी जो स्किन है ये सारी की सारी पिघल जाएगी और यु जो है ना ये कैसे है कि जैसे कि दो चीजें हों और वो आपस में बिल्कुल घुल मिल जाए बिल्कुल मिक्स हो जाए तो जस्ट इमेजिन यानी किस कदर जैसे कह लें कि हॉरिबल है कि उन पर जब पानी डाला जाएगा खोलता हुआ पानी डाला जाएगा तो उनके पेटों में जो कुछ है और उनकी जो जलते हैं सारी की सारी जो है वो आपस में यानी पिघल जाएंगी और एक ही बन जाएंगी बिल्कुल गल सड़ जाएंगी और देखें कि फोक की रो से सेम यानी उनके सरों के ऊपर से यानी सर के ऊपर ही को खास क्यों मेंशन किया गया क्योंकि है क्या कि अल्लाह सुबहाना तला ने हिदायत दी अपने फरमान दिए एहकाम दिए लेकिन इंसान क्या था उसके अहकाम के सामने झुका नहीं अपने सर को उसने झुकाया नहीं अपने सर को उसने उठा कर रखा उस सर ही के जरिए से क्या था कि वो तकबर के साथ अकड़ता रहा और ये के माना नहीं तो एग्जैक्टली exactly उसी तरह जो है यानी जिस सर को उसने ऊपर उठाया उसी पर जो है वो खोलता हुआ पानी जो है वो डाला जाएगा और सिर्फ इसी हद तक नहीं है बल्कि क्या है वह लहू और उनके लिए मकाम हथौड़े हैं मिन हदीद लोहे के लोहे के हथौड़े भी हैं जिनके जरिए से क्या है कि जिसे कह लें कि उनकी एक तरह से पिटाई की जाएगी और ये बात हमें हदीस में भी पता चलती है कि यानी वहाँ पर हथौड़े भी हैं कि जिनसे दोजगियों की पिटाई होगी और ये ऐसे यानी ये हम दुनिया के हथौड़ों से जो है ना इसको कम इसको कंपेयर ना करें बल्कि क्या है कि हदीस में क्या आता है कि अगर ये हथौड़ा जो है ज़मीन पर आ जाए तो तमाम जिन और इंसान मिलकर भी उसको नहीं उठा सकेंगे और अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो वो रेजा रेजा हो जाएगा और क्या है कि जहन्नमी पर जब ये हथौड़ा चलेगा तो क्या है कि उससे वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसके अलावा यानी एक और चीज भी हमें पता चलती है कि जहन्नमियों की जो गजा भी होगी वो भी क्या है बहुत ही बदबूदार होगी और उसके बारे में भी जैसे हमें क्या बात पता चलती है कि अगर उसका यानी कुछ एक डोल भी जो है ना दुनिया में बहा दिया जाए तो सारी की सारी दुनिया जो है वो बदबूदार हो जाएगी और ये देखें कि वही बात है कि जैसे सर की बात हुई कि अपने आप को बड़ा इज्जत वाला और सरदार समझता था और अल्लाह सुबहाना ताली की बात को उसको उसने लिया नहीं तो किस तरह से जो है यानी आखरत में एक तो सबके सामने जो है जहन्नुम में नीचे फेंका जाएगा और गिरना और नीचे यानी फेंके जाना ये क्या है जिल्लत की बात है और फिर उस सबसे बढ़कर क्या है कि वहां पर जहन्नुम में जो है इस कदर दर्दनाक सजाएं जो है अजाब की सूरत में जो है वो उसको मिलेंगी और फिर अल्लाह साली फरमाते हैं कि कुल्लम जब कभी वो चाहेंगे कुल्लम जब कभी अरादू वो चाहेंगे अन ये के युजु यानी जब कभी वो चाहेंगे कि वो निकल आए यानी उस जहन्नुम में से यानी उस आग में से उस जहन्नुम में से निकल आए मिन वं, मिन वं से लौटा दिए जाएंगे फिहा उसमें यानी जब वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह हम इस सजा में से निकलें तो क्या होगा कि उनको वापस जो है वो फिर लौटा दिया जाएगा वो को और कहा जाएगा कि चखो हरीक जलने का अजाब अब ये उन लोगों का एंड है जिन्होंने के अल्लाह सुबहाना ताल की रोशन आयात का इनकार किया और इसके बावजूद कि के, के कायनात अल्लाह सुबहाना लिए सजदा रेज है उसकी अतात में लगी हुई है उन्होंने क्या किया नाफरमानी के रास्ते को लिया ये उन लोगों का अंजाम है अब उसके मुकाबले में इन अल्लाह बेशकल्ला यो दुखिलू दाखिल करेगा अल्लावीना उन लोगों को जो आमनो ईमान लाए वामिलुस्सिहाती और नेक अमल किए कहाँ दाखिल करेगा अल्लाह ताला जन्नातिन। बागात में तजरी बहती हैं मिन तख उनके नीचे से अल अनहारु नहरे युना वो पहनाए जाएंगे फीहा उनमें मिन असाविरा कंगन मिन दहबिन सोने के वलुलुआ और मोती के व लिबासहो और उनका लिबास फीहा उसमें हरीरुन रेशम का होगा यानी अब अल्लाह सुबल त्यामाने कि एक और ग्रोह है जिसको कि अल्लाह तला जो कि ईमान लाए और अमले सवाले किए ऐसे लोगों के लिए जन्नत है बागात है और जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी और ये जन्नत की जब भी डिस्क्रिप्शन आती है ना उसके साथ पानी का जिक्र जरूर होता है और ये बात हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो रिहाइश होती है जो रहने की जगह होती है वहां पर जो वाटर व्यू होता है उसकी बड़ी जैसे कह लें कि बड़ी वैल्यू होती है हर कोई चाहता है कि अच्छा जहाँ पर हो तो वहां पर कुछ पानी का भी नजारा हो क्योंकि ये वाकई में पानी के साथ क्या है बहुत ही ज्यादा ब्यूटी जो है वो बेसिकली एड इन हो जाती है और फिर इसके साथ साथ क्या है कि रहने को बड़ी खूबसूरत जगह है और पे... ना सिर्फ ये कि रिहाइश खूबसूरत होगी बल्कि क्या है लिबास भी खूबसूरत होगा और लिबास के साथ क्या है आराइश भी होगी वहां पर जो है सोने के और मोती के कंगन जो है वो युना पहनाए जाएंगे और ये चीज भी ना देखें कि कितनी ज्यादा जिसे कह लें कि वो नजर आती है अम्म होता है ना कि जैसे अम्म यूजली क्या होता है कि हम लोग खुद से तैयार होते हैं खुद से ज्वेलरी पहनी एवरीथिंग लेकिन जब शादी का मौका होता है तो दुल्हन को जो है ना हालांकि वो चाहे तो खुद से भी तैयार हो सकती है खुद से अपनी चूड़ियां पहन ले अपने रिंग्स पहन ले और एवरी जो है खुद से लगा ले लेकिन एक एक छोटी छोटी चीज भी जो है उसको दूसरे पहना रहे होते हैं दूसरे उसको संवार रहे होते हैं सजा रहे होते हैं तो काइंड kind ऑफ of जिसे कि बड़ा आ, एक जिसे कह लें कि वीआईपी इंसान को जो है ना वो काइंड ऑफ फीलिंग्स हो रही होती हैं तो यहाँ पर भी जो है ना कि जैसे बहुत ज्यादा इज्जत के उसमें है कि उनको इतनी सी भी वो नहीं करनी पड़ेगी इतनी सी भी दुश्वारी नहीं करनी पड़ेगी इतना सा भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी कि वो अपने आप को जो है आ, खुद जो है आरइश दें बल्कि क्या है यू है पहनाया जाएगा उनको और यानी बहुत ज्यादा जिसे कह लें कि वी ट्रीटमेंट जो है ना वहां पर पता चल रहा है और लिबास क्या होगा उनका रेशम का होगा अब अल्लाह हदू और इन्हें हिदायत की गई इला तरफ अत पाकिजा मिनल कौली बात में से कि ये वो लोग हैं जो जन्नत में दाखिल हुए बेसिकली ये जन्नत की जो लग्जरी है इनको क्यों मिली क्योंकि इनको हिदायत दी गई अब ये जो हुदू है ना ये भी हमें पता चल रहा है कि खुद से खुद उनको हिदायत नहीं मिली बल्कि उनको उनकी रहनुमाई की गई और उन्होंने उस रहनुमाई को ले लिया और ये रहनुमाई किसकी तरफ से आई थी कहाँ से उनको हिदायत की गई अल्लाह सुबहाना तला की तरफ से अल्लाह सुबहाना ताल ने उनकी हिदायत और रहनुमाई की किस बात की तरफ उस बात की तरफ जो कि क्या है बहुत ही पाकिजा है पाकीजा बात की तरफ अल्लाह सुबहाना ने उनकी हिदायत और रहनुमाई की और उन्होंने आगे बढ़कर उस बात को अपना लिया और ये पाकिजा बात क्या है तमाम बातों में से सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन और जिसे कह लें कि सबसे सच्ची बात और सबसे ज्यादा जिसे आ, बात वो कौन सी है कलमा ये वो रहनुमाई है ये वो पाकिजा बात है जिसकी तरफ अल्लाह सुबहाना रहनुमाई की और लोगों ने उस रहनुमाई को अपना लिया और एज अ रिजल्ट क्या है जन्नत की लग्जरी को उन्होंने पा लिया और ना सिर्फ ये कि यानी इसके बाद यानी नेक्स्ट भी बताया जा रहा है वहदू और राह दिखाई गई अला तरफ सिरहमीद यानी रास्ता किसका जो के तारीफ वाला है यानी अल्लाह सुबहाना ताला जो के तारीफ वाला है उसके रास्ते की तरफ जो है रहनुमाई कर दी गई मतलब क्या है कि उन्होंने कल मैं को अपनाया ला अला का इकरार किया सबसे पाकिजा बात को उन्होंने अपना लिया कि अल्लाह एक है उसका कोई शरीक नहीं है और वही वो, वो अकेली हस्ती है वो ज़ात है जो कि इस लायक है कि उसकी बंदगी की जाए उसकी इबादत की जाए उसकी फरमाबरदारी की जाए इस बात का उन्होंने इकरार किया और इसके बाद क्या है कि अपनी जिंदगी अपने इसी इकरार के मुताबिक उन्होंने गुजार दी सिर्फ ज़ुबान से इकरार नहीं किया बल्कि क्या है कि इसी अपने इकरार के मुताबिक कि अल्लाह एक है उसके साथ किसी को शरीक ना ठहरा जाए और ये कि वही इबादत के लायक है और उसकी फर्मा बरदारी की जाए अपने इस इकरार के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा भी तो ऐसे में क्या है कि वो जन्नत में जो है वो दाखिल कर दिए गए और ये देखें कि अम्मी ये चीज जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इंसान ना सिर्फ ये कि तोहिद को अपनाए कलमा तय को अपनाए इसकी शहादत दे इसकी गवाही दे बल्कि क्या है कि यानी इंसान को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अपनी इस इकरार और गवाही के मुताबिक जो है ना जिंदगी भी गुजारें क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है यानी क्या होता है कि कुछ लोग तो ईमान के इस कदर लो लेवल पर होते हैं कि होते तो वो मुसलमान हैं लेकिन समटाइम्स वो ऐसे लोगों के बीच में हों कि उनके लिए ये इकरार करना भी मुश्किल हो जाता है कि हम मुसलमान हैं यानी अपने ईमान को बेसिकली काइंड ऑफ छुपाने की कोशिश करते हैं और रीज़न क्या होती है बहुत सारे खौफ और खदशात होते हैं या कुछ फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से वो अपने ईमान को डिक्लेयर नहीं करते अंदर ही अंदर मान रहे होते हैं तो बेसिकली इंसान को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इस गवाही को वो कायम करे और हर जगह वो इस गवाही को कायम करने वाला हो कहीं पर भी वो जिसे कह लें कि मुतज़लज़िल ना हो शेकी वेकी ना हो और ना सिर्फ ये कि इकरार करने में कॉन्फिडेंट हो बल्कि इसके साथ साथ क्या है प्रैक्टिकली जब वो अपनी इस गवाही के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है तो उस मामले में भी वो बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए ये नहीं है कि अच्छा अः यानी क्या है कि कहीं पर तो हम आ, यानी उस कलमा तयब के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं और जहां पर हमें कुछ थोड़े से खौफ लाहक हो गए या हमारे फायदे हमें जाते हुए नजर आना शुरू है तो हम फौरन जो है ना अपनी उस स्टेटमेंट से जो है ना पीछे हट जाए स्टेटमेंट क्या है कि हमने कहा कि अल्लाह सुबहाना तला की ज़ात क्या है कि जिसकी अ, आ, अतात और फरमाबरदारी की जाए यानी वही ज़ात इस लायक है कि उसकी इबादत और फरमा की जाए तो क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मस्जिद में जाए किसी दर्स में जाए तो वहां पर तो हम जो है ना अल्लाह सुबहाना तला अः uh, की फर्माबरदारी करते हुए सरों को ढक लें लिबास का भी ख्याल रख लें कि अच्छा ये प्रॉपर है कि नहीं है और कहीं दूसरी जगह पर हो जहाँ पर हमें लगे कि शायद हमारा हिजाब किसी को अनॉय कर देगा या कोई हमें अच्छा नहीं समझेगा या हो सकता है हमें जो है कुछ सुनने को मिल जाए तो वहां पर फिर हम क्या हैं थोड़े ढगमग आ जाए तो बेसिकली कॉन्फिडेंस जो है ना दोनों मामला में होना चाहिए ला इल्लल्लाह को डलेयर करने में भी जुबान से और अमल के जरिए से भी इसकी शहादत देने में, में जो है ना कभी भी इंसान को जो है ना वो डगमगाना नहीं चाहिए और क्या है कि ये देखें कि एंड पे जो बात की गई कि अल्लाह सुबहाना तला ने उनको कलमा तयबा की तरफ यानी और कलमा यहाँ पर तैयब मिनल कौल जो है ना कलमा तैयबा के साथ साथ कुरआन भी मुराद है कि कुरान को उन्होंने लिया और उसके मुताबिक उन्होंने जिंदगी गुजारी यानी अल्लाह सुबहाना तला ने उन्हें कुरान की तरफ हिदायत दी इस कुरान को इस हिदायत को उन्होंने ले लिया और इसके साथ साथ इस क्या है कि ये जो रास्ते की बात की गई कि रास्ता यानी किस रास्ते की तरफ अल्लाह सुबहना तला ने रहनुमाई की कि अल्लाह सुबहाना ताल क्या है, है तारीफ वाला अल्लाह सुबहाना तला की जात क्या है हमीद है अलहमीद है यानी काबले स्त है काबले तारीफ है यानी वो ज़ात ऐसी है कि वो तारीफ के काबिल है यानी कोई तारीफ ना भी करे तो वो अपने आप में तारीफ किया हुआ है उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है और ऐसी ज़ात जो किबिलश है काबिल तारीफ है तारीफ वाली है उस जात ने इंसानों को अपने रास्ते की तरफ की हिदायत और रहनुमाई कर दी यानी मतलब क्या है कि ये बात जाहिर कर रही है कि ये रास्ता भी जो है ना अगर अल हमीद का है उस जात का रास्ता है जो कि अपने आप में तारीफ वाला है तारीफ किया हुआ है काबिल तारीफ है तो डेफिनेटली उसका रास्ता भी काबिल तारीफ है उसका बताया जो रास्ता उसकी तरफ जाता है वो भी डेफिनेटली क्या है काबिल तारीफ है ये इस, इसी तरह से है कि एक शख्स जो कि जिसके बारे में हो कि ये बड़ा ही नफीस शख्स है यानी देखने में नजर आता है कि बड़ा ही आ, नफीस इंसान है तो ये तो नहीं होगा कि अच्छा वो सिर्फ अपनी जात की हद तक नफीस है नहीं उसकी एक, -एक बात में उसकी एक एक चीज में आपको नफासत नजर आएगी हर चीज में नफासत नजर आएगी ये नहीं है कि अगर एक शख्स नफीस है तो आप उसके घर जाए तो सुबहान अल्लाह यानी आप समझ सकते हैं कि क्या है तो बेसिकली यानी एक शख्स अगर नफीस है तो लाजिम है कि उसकी हर चीज़ नफासत पर मबनी होगी तो इसी तरह अल्लाह सुबहाना तला अगर हमीद है काबिल तारीफ है काबिल स्त है, है तारीफ वाला है तो डेफिनेटली उसका रास्ता उसका बताया हुआ रास्ता वो रास्ता जो कि उसकी तरफ जाता है वो भी क्या है सुबह अल्लाह काबिल तारीफ है यानी आप उस रास्ते को रिजेक्ट नहीं कर सकते उसकी मजम्मत नहीं कर सकते या उसमें से कोई नुक्स नहीं निकाल सकते उसमें कोई ऐब और कमी नहीं निकाल सकते कि अच्छा ये रास्ता मैं इसलिए नहीं ले रहा इन इनकाम को मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसमें यह ये, ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें ये ये कमी है क्यों क्योंकि ये रास्ता ये अहकाम किस जात की तरफ के हैं अलहमीद की तरफ से हैं जो कि क्या है तारीफ वाला है तो सुबहान हमीद का रास्ता भी क्या है काबिल स् दाइश और काबिल तारीफ है और जो शख्स इस रास्ते को अपना लेता है जिसको अल्लाह सुबहाना तला हिदायत दें और वो उस हिदायत को पाकर इस रास्ते की तरफ आ जाए तो वो शख्स भी क्या है काबले स्त है और सुबह अल्लाह यानी किस तरह से अल्लाह सुबहाना तला ने दोनों तरह के लोगों की दोनों तरह के ग्रोह जो बन जाते हैं कि एक मान जाता है और दूसरा नहीं मानता दोनों की डिस्क्रिप्शन जो है ना दोनों के एन रिजल्ट बता दिए दिखा दिए क्योंकि दो चीजें जब अपोजिट आमने सामने आती है ना तो कंपैरिजन जो है ना बहुत ईजी होता है आप दोनों का डिफरेंस बहुत आसानी से जो है वो देख सकते हैं अब इसके बाद अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इन नजीना बेशक वो लोग जो का काफिर हुए वो क्या करते हैं व यसुद्दू वो रोकते हैं अन सबी अल्लाह के रास्ते से वलमस्जिदिलहरामी और मस्जिद हराम से अजी यानी वो मस्जिद जो के जल्णा हो बनाया हमने जिसे यानी मस्जिद हराम को लन्नासी लोगों के लिए सवा बराबर यानी तमाम इंसानों के लिए जो है अल्लाह ने मस्जिद जो है उसको बराबर बनाया और ये इंसान कौन से अलआकिफू रहने वाला फी ही इसमें वलबादी और बाहर से आने वाला यहां पर जो है अल्लाह सुबह फरमा रहे हैं कि आ, वो लोग जो कि काफिर हुए वो क्या करते हैं कि अल्लाह सुबहाना तला के रास्ते से लोगों को रोकते हैं सबसे पहली चीज क्या है कि लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं अब इसका थोड़ा सा जैसे हमने देखें कि जैसे मुश्किन के कॉन्टेक्सट में अगर हम इस आयत को लें कि मुश्किन मक्का क्या थे कि वो जो भी मुसलमान हो रहा था उसको यानी रोकते थे किस तरह से रोकते थे कि यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे कोई एक तरीका नहीं था मुख्तलिफ तरीके उन्होंने अपनाए लोगों को अल्लाह के रास्ते से आने से तो जैसे कि यानी एक तो प्रोपेगेंडा करते थे यानी आसलम के बारे में क्या बातें मशहूर करते थे कि ये तो साहिर हैं कोई इनके पास ना जाए इनकी बातें जो भी सुन लेता है तो काइंड kind ऑफ of वो इस पर जादू कर देते हैं और फिर इंसान जो है वो अपने बहन भाइयों से अपनी फैमिली से जो वो कट जाता है तो उनका कहने का मतलब क्या था कि डेफिनेटली जब कोई मुसलमान हो गया तो सी बात है उनके घर में जिसे कह लें कि डिवीजन हो गई और तकसीम हो गई यानी बाप बेटे से अलग हो गया तो यानी जो भी इनके पास जाता है तो ये तो बाप से बेटे को अलग कर देते हैं और इस तरह से या फिर ये के ये तो पोइट हैं शायर हैं काहिन हैं या फिर ये के मजनून है तो इस तरह की यानी अफवाहें फैलाना ताकि लोग जो हैं यानी ये इस तरह की बातें सुन के तो यानी अगर कोई सुनने का इरादा कर भी रहा है कि अच्छा ये जो बातें कर रहे हैं मैं जाकर सुनूं तो जब इस तरह की बातें उसको अफवाहें सुन, सुनने को मिलेगी कि अच्छा ये तो साहिर है ये तो काहन है तो इंसान वहीं पे अपने आप को रोक लेगा कि अच्छा नहीं इनके बारे में तो ये सब बातें मशहूर हैं तो छोड़ो इनकी बात को सुनना तो ये भी उनका एक तरीका था किसम के बारे में उन्होंने मुख्तलिफ बातें जो फैला रखी थी ताकि लोग जो है उनके पास जाए जाने से रुक जाए और अल्लाह का कलाम सुनने से जो वो रुक जाए और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आ, फिजिकली टॉर्चर जो है वो भी एक तरीका था जिसके जरिए से उन्होंने लोगों को रोका जैसे कि हम जानते हैं कि हज़रत बिल रजी अल्लाह तन जो है उन पर बहुत बहुत ज्यादा जुल्म किया गया बहुत ज्यादा उन पर जो है तशद किया गया कि किसी तरह जो है वो अल्लाह के रास्ते से रुक जाए इसी तरह और भी बहुत से सहाबा हैं जिनकी हमें मिसालें मिलती हैं जिन पर के जो है तशद किया गया उनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सल्ल के रास्ते से रोकने के लिए और इसी तरह कुरान पढ़ने से भी जो है रोका जाता यानी आ, हमें ये पता चलता है कि आ, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी तैन जो हैं वो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम जो है अल-अलान ओपनली जो है यानी आसा के अलावा सहाबा में से उन्होंने पहले रहमान जो है उसकी तिलावत की तो इस पर भी जो है जैसे कह लें कि मशर्कन मशर्कन ने उनको पकड़ लिया और बहुत बहुत ज़्यादा जो है उनको मारा यानी कुरान पढ़ने से जो है वो रोका और इसी तरह और भी मिसालें मिलती हैं यानी खुद फैमिली की तरफ से जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो रुकावटें डाली गई जैसे कि मुस्त बिन उमेर रजी जो ज उनके बारे में हमें पता चलता है कि बहुत रिच फैमिली से थे और ये कि बड़ी ज़बरदस्त उनकी ड्रेसिंग थी और खुशबू ऐसी लगाते थे यूनिक जिसे कह लें कि अपनी ज़ुबान में इम्पोर्टेड परफ्यूम होता था जहाँ से वो गुजरते तो बहुत देर तक उस रास्ते से खुशबू जो है ना वो आती रहती थी और लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ से मुस्ब गुजरे हैं तो यानी बहुत ही जिसे कह लें कि उनका लग्जरी किस्म का लाइफ था लेकिन जब मुसलमान हुए तो उनकी वालदा जो हैं उनसे बहुत नाराज हो गई और हर तरह की ये सारी लग्जरी चूंकि अभी ये यंग थे बिल्कुल नौजवान थे तो हर तरह की लग्जरी जो थी वो इनसे चली गई और उसका मकसद भी क्या था डेफिनेटली एक शख्स जो तो कि बहुत जिसे कह लें कि ऐश में पला बड़ा हो तो उसके लिए तंगी देखना जो है ना बहुत मुश्किल होता है और उस पे उस तंगी के सामने रिजिस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत चांसेस होते हैं कि इंसान फेडअप हो जाता है तंग आ जाता है और डेफिनेटली अपनी उस ऐश को जो है वो दोबारा लेना चाहता है लेकिन क्या था कि मुस्बिन जो है वो फर्म रहे और अपने ईमान पर जो है वो कायम रहे यानी बेसिकली ये भी एक तरह से एक आ, चाल थी उनको आ, दीन से जो है वो हटाने के लिए दीन से जो रोकने के लिए और भी हमें मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं कि किस किस तरह से वहां पर जो है अः लोगों को जो है वो दीन से आने से जो है वो रोका गया और ये चीज देखें कि ये बात जो है यानी दीन से रोकना जो है ये सिर्फ आ, आ, उस दौर में नहीं था बल्कि क्या है कि उसके बाद भी ये चीज़ जारी रही यानी मुख्तलिफ हथ से मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ साजिशों से मुख्तलिफ यानी तरीकों से जो है लोगों को रोकने की कोशिश की गई और आज भी अगर देखें तो बहुत सारे लोग यानी आपको नजर आएंगे इसी काम में इन्वॉल्व नजर आएंगे कि लोगों को जो है वो इस्लाम की तरफ आने से रोका जाए या फिर इस्लाम पर प्रैक्टिस करने से रोका जाए और रोक यानी इस्लाम की तरफ आने से क्या कि मुख्तलिफ नेगेटिव किस्म के प्रोपिगेंडाज किए जाते हैं उनको फैलाया जाता है और कुरान को लेकर जो है उसमें से आयात को जिसे कह लें कि चुन चुन के निकाला जाता है और उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो आ, बताया जाता है बिल्कुल गलत तरीके से उनको बताया जाता है ताकि लोग जो हैं इस्लाम से कुरान से जो है बदल हो जाए इसी तरह से सल्लम की ज़ात को लेकर जो है वो मुख्तलिफ चीजों को उछाला जाता है इशू बनाया जाता है ताकि लोग ये सारी बातें सुनकर जो है वो बजन हो जाएं और इस्लाम की तरफ ना आए और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपनाई जाती हैं ताकि लोग जो हैं वो इस्लाम पर जो है वो प्रैक्टिस ना कर सकें जो है हथकंडे वो अपनाए जाते हैं तो ये चीज पहले भी थी अल्लाह की तरफ आने से लोगों को रोका जाता है हर तरह से रोका जाता है और आज भी है और ये मुखालफत जो है वो हमेशा रहेगी और इसके अलावा सेकेंड चीज जो बताई जा रही है कि मस्जिदिल हराम से भी रोकते हैं और मस्जिद हराम मीन के जैसे कि वहां पर इबादत करने से के जैसे कि के हम जानते हैं कि अबू जहल जो है, आ, वो को जो है इस बात से रोकता था कि आम वहां जाकर जो है वो इबादत करें और इसके अलावा जो है अः यानी क्या है कि जब मुसलमान मदीना में थे और आल्लम जो है मुसलमानों को लेकर गए उमरा करने के लिए तो वहां पर भी मुश्किन मक्का ने जो है वो आ, मरा करने से रोक दिया था और ये चीज जैसे कि हम जानते कि वहीं पर जो है फिर जो है बेसिकली हुआ था और यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो मस्जिद अल हराम है ये जो खाना काबा है और ये सिर्फ काबा की बात नहीं है यानी मस्जिद अल हराम की बात नहीं है सारा जो काबा और उसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया है वो सारे का सारा हरम ही में आ जाता है और ये चीज अल्लाह सुबहाना तला ने लोगों के लिए बराबर कर रखी है यानी क्या है कि बराबर यानी दो तरह के लोग हैं एक कौन है अल-आकिफू रहने वाला यानी जो वहाँ के रहायशी हैं हरम के रहने वाले हैं वहां के रेजिडेंट हैं और दूसरे क्या हैं वल बाहर से आने वाला यानी जो विजिटर्स हैं यानी अल्लाह सुबहान् क्या फरमा रहे हैं चाहे कोई वहाँ का रहायशी है वहीं का रहने वाला है तो चाहे कोई बाहर से आ रहा है ये जगह जो अल्लाह की इबादत के लिए खास है ये तमाम लोगों के लिए बराबर है यानी क्या है अल्लाह ने क्या कहा कि किसी तमाम लोगों के लिए ये बराबर है यानी डजेंट मैटर कि कौन, कौन कहाँ पर रहता है कोई रिहायशी है कोई बाहर से आ रहा है कहाँ से आ रहा है जो कोई भी इस नीयत से आता है कि वो जाकर हरम में अल्लाह सुबहाना तला की इबादत करना चाहता है सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना चाहता है तो उसको वहां से रोका ना जाए यानी उसका पूरा पूरा राइट है कि वो वहां जाकर जो है वो अल्लाह सुबहाना तला की जो है वो इबादत करे यानी बेसिकली काबा जो है ना किसी की जाती मलकियत नहीं है कोई इसमें अल्लाह की इबादत गुजारों को रोक नहीं सकता कि भाई अच्छा जो है फला आ सकता है फला नहीं आ सकता यानी जो भी आना चाहे जो वहां जाकर जो है अल्लाह सुबहना तला की इबादत करना चाहे यानी शर्त यह है कि वहां पर इबादत सिर्फ अल्लाह सुबहना तला की हो कोई शर्क वाली बात ना हो तो क्या है कि वहां से जो है इबादत से जो है रोका नहीं जा सकता और ये चीज हम देखते हैं कि मुश्किन मक्का ने जो है मुसलमानों को रोका और वहां पर उम्र करने की इजाजत उनको नहीं दी और क्या कहा कि इस साल वो वापस चले जाए और सुलह देविया बेसिकली हुआ था कि इस साल ये वापस जाए और अगले साल जो है ये अः के लिए जो वो आ सकते हैं फिर अल्लाह फरमाते हैं वम और जो युरिद इरादा करे फी ही उसमें उसमें किस में यानी मस्जिद हराम में किस बात का इरादा करे बेहादिन किसी टेढ़ी राह का बेजुलिन जुल्म के साथ शरारत के साथ नुजिक हो हम चिखाएंगे उसको मिन आजा अलीम एक दर्दनाक अजाब अल्लाह सुबह तला फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी मस्जिद अल हराम में इस हरम के इलाके में जो है एरिया में जो है कोई भी टेढ़ी राह यानी इख्तियार करता है और जुल्म के साथ शरारत के साथ तो उसको जो है हम क्या करेंगे अजाब अजाबिन अलीम जो है दर्दनाक अजाब जो है वो चखाएंगे दर्दनाक अजाब यानी पहले तो इस चीज को देख लेते हैं कि इलाहाद बेसिकली क्या होता है कि यानी सीधे रास्ते से हट जाना जैसे कि आ, जैसे कि कबर में भी हम जानते हैं ना कि आ, कबर एक तो सीधी सीधी कबर होती है और एक जो है वो इलाहाद की उसमें बनाई जाती है यानी सीधा गड़ा खोदा जाता है और उसके बाद सीधा जाते जाते जो है साइड पे जो है वो थोड़ी सी जगह बनाई जाती है और वहां पर बेसिकली जो है मैयत को रखा जाता है तो यानी क्या है कि सीधी राह चलते चलते उससे हटकर साइड पे हो जाना तो ये क्या है इलाहाद में आ जाता है तो हरम में जा जो लोग जाए तो वहां पर सीधी राह क्या है कि वहां पर सिर्फ तोहीद को अपनाया जाए सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए लेकिन क्या है कि यानी इलाहा वहां पर क्या होगा मस्जिद में इहाद क्या है कि इंसान वहां जाए और वहां जाकर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो शिरकिया बातें हैं शिरया चीजें हैं उनमें वो इन्वॉल्व हो जाए तो बेसिकली क्या है कि वहां पर यानी इलाहाद क्या है कि अल्लाह सुबहाना तला के साथ जो है औरों को भी शरीक ठहराया जाए जैसे कि अगर ने मक्का के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो भी क्या करते थे कि अल्लाह की इबादत तो करते थे लेकिन वहां पर उन्होंने बुतों को रखा हुआ था और बुतों की भी वो पुरस्कश करते थे और इसके अलावा क्या है कि यानी अम्म यानी और भी चीजें हमें पता चलती हैं कि वहां पर जो है आ, यानी मस्जिद हराम में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप नहीं कर सकते मसन क्या है कि जैसे कि लड़ाई झगड़ा है या फौज खुशी है या ये कि बिला जरूरत जो है वो हथियार उठाना इन हथियार भी जो है ना आप ऐसे ओपनली लेके नहीं फिर सकते बगैर जरूरत के और ये कि इसके अलावा यानी क्या है कि इवन के इसका एहतराम इस कदर ज्यादा है के हरम में यानी ये चीज भी है कि अगर कोई मुजरिम भी इवन वहां पर पनाह ले ले तो उसको भी आप नुकसान नहीं दे सकते यानी आप उसको पकड़ेंगे तो जरूर लेकिन आप उसको वहीं पर सजा नहीं दे सकते और यानी आ, उसमें क्या है कि जैसे कि अरब में भी उस वक्त के दौर में भी इवन के यानी आ, उस जहालत के दौर में भी क्या था कि मक्का का ये एहतराम जो है काबा का ये एहतराम वहाँ पर था कि इवन के अगर कोई शख्स अपने वालिद के कातिल को भी वहाँ पर देखता तो उसको हरम में अगर वो है तो उसको उस वक़्त तक कुछ ना कहता जब तक कि वो वहां से निकल ना जाता और भी हमें कुछ चीजें पता चलती हैं यानी एक तो यही कि लड़ाई झगड़ा और इस तरह का खून खराबा बहाना ये सब कुछ जैव ये मना है और इवन के जानवर तक भी वहां पर क्या है महफूज है कि उनका शिकार जो है नहीं किया जा सकता यानी वो जानवर जिन जो के आम उसमें यानी हरम से बाहर जो है उनका शिकार जो है वो अलाउड है लेकिन अगर वही जानवर आपको हरम में नजर आ रहे हैं तो आप उनको नहीं मार सकते उनका शिकार जो है वो नहीं कर सकते अन के कोई ऐसा जानवर है जो कि आपको नुकसान दे रहा है कोई ख़तरे का बायस है वो एक डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है और इंसानों और जानवरों के अलावा वहाँ के पौधे दरख्त और घास तक भी क्या है महफूज और मामून है और सिर्फ एक घास जो है उसकी हमें इस, इस तस्ना पता चलता है इज जो है उसको काटने की इजाज़त दी गई है इसके अलावा कोई गिरी पड़ी चीज़ जो है उसको उठाया नहीं जा सकता अ कोई जानता हो कि पहचानता हो उस चीज़ को कि यह फलाँ की है तो और इस नीयत से वो उठाए कि मैं इसको उठा लूँ ये फला है और मैं इसको उस तक पहुँचा दूँ तो basically, क्या है कि ये इसकी है और अगर कोई इंसान जो है इन तमाम चीजों से हटता है और गलत कामों में इन्वॉल्व होता है तो अल्लाह सुबह यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं कि ऐसे में क्या है अजाबिन अलीम की जो है वह चल रही है फिर अल्लाह सुबह तरमाते हैं वबा हमने ठहरा दिया इब्राहिमा इब्राहिम के लिए मकान जगह खाना काबा की यानी क्या है कि जब हमने इब्राहिम के लिए खाना काबा की जगह को मुकरर कर दिया मुकर कर दिया किस तरह से यानी जैसे कि हम जानते हैं कि इब्राहिम जो है हजरत हाजरा के साथ और इस्माइल सलाम के साथ जो है वो आए थे उनको वहा पर छोड़ने के लिए और फिर क्या था कि वहां पर उन्होंने खाना काबा जो है वो तामीर किया था और ये जो खाना काबा अल्लाह सुबहाना तला की इबादत के लिए तामीर किया था ये इब्राहिम ने अपनी मर्जी से नहीं कहा था कि अच्छा ये जगह मुझे अच्छी लग रही है ये सूटेबल है तो यहाँ पर मैं खाना काबा जो है तामीर कर दू यानी क्या है कि ये अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से था यहाँ पर क्या है वाल इब्राहिम के खाना काबा की जो जगह थी वो किसने मुकरर की थी किसने ठहराई थी वाह हमने हम से मुराद क्या है अल्लाह ताला ने यानी बेसिकली अल्लाह सुबहाना ने जो है इब्राहिम की सारी रहनुमाई की थी कि ये जगह है यहाँ पर जो है अल्लाह सुबहाना ताला की इबादत के लिए घर जो है वो तामीर किया जाए और इसके बाद क्या है कि घर तामीर करने के बाद कुछ अहकाम भी दिए गए वो क्या है अल्लाह के ना तो श्रक बी शईन के मेरे साथ किसी को शरीक न सबसे पहली बात उस घर को तामीर किया गया और जो पहली बात कही गई वो क्या है कि इस घर में खालिसतन अल्लाह सुबहना तला की वादत की जाए उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए और सेकंड क्या है वह हिर बई थी कि मेरे घर को पाक साफ रखा जाए और अब यहाँ से हमें जो है ना बेसिकली तहारत की और सफाई की भी हमें आ, समझ लग रही है कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि घर जो है बनाने का कहा गया और फिर कहा गया कि इसमें इबादत की जाए और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा जाए इसके साथ साथ क्या है कि इस घर को साफ सुथरा भी रखा जाए किन लोगों के लिए साफ रखा जाए इफीना तवाफ करने वालों के लिए वलख्वामीना क्याम करने वालों के लिए वर्राई और रुकू करने वालों के लिए और क्या है असजूद सजदा करने वालों के लिए यानी इस घर को जो है साफ सुथरा भी रखा जाए सिर्फ ये नहीं है कि इबादत करनी है बल्कि क्या है कि इस घर को साफ सुथरा भी रखा जाए और साफ सुथरा जो है दोनों तरह से है यानी फिजिकली भी इसको साफ स... रखा जाए और मानवी मानो में भी क्या है कि इसमें किसी किस्म का कोई शिरक जो है शिरक की निजात जो है इस घर में नहीं होनी चाहिए और फिजिकली देखें कि यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस पता चल रही है उसकी तहारा की सफाई सुथराई की कि अल्लाह सुबहाना तला अपने पैगम्बर को ये हुक्म दे रहे हैं कि घर को साफ रखो अल्लाह के घर को साफ रखो पैगम्बर सुबहान अल्लाह यानी बहुत बड़ी शान होती है उनकी लेकिन अल्लाह सुबहाना तुन उनको हुक्म क्या दे रहे हैं कि मेरे घर को साफ रखो तो इससे बात ये पता चल रही है कि अल्लाह के घर को साफ रखना जो है ये बहुत ही ऑनर की बात है ये कोई मामूली चीज नहीं है बल्कि क्या है बहुत ऑनर की बात है और अगर इससे अपोजिट जाते हैं तो ये बहुत बुरी बात भी है क्योंकि होता क्या जो चीज आपको बहुत ज्यादा हाई करती है अगर आप उससे हटते हैं तो आप उतना ही फिर नीचे की तरफ भी आते हैं उतना ही पस्ती की तरफ भी आते हैं और आ, मस्जिदों को साफ रखना जो है ये बहुत ही जैसे कह लें कि इज्जत वाली बात है बहुत ही नोबल एक्ट है और जैसे कि हमें एक वाक्य भी पता चलता है कि एक खातून जो है एक बेसिकली काली खातून थी जो कि मस्जिद की सफाई उधर मस्जिद नब्बी की सफाई किया करती थी तो कुछ दिन जो है वो आसम को वो नजर नहीं आई तो पूछने पर पता चला कि वो वफात पा गई थी और ये जाहिर सी बात है तदफीन वगैरह भी उनकी हो चुकी है तो आसलम को बहुत हुआ कि उनको बताया नहीं गया आसलम जो है उसकी कबर पे गए और जाकर जो है वहाँ उसके लिए दुआ की तो यानी जस्ट शो करता है कि उसका यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्यों थी कि आप जो है यानी उसकी कबर पे गए और उसके लिए दुआ की कि वो मस्जिद को साफ रखती थी तो इससे ये भी बात पता चल रही है कि यानी मस्जिद को साफ रखा जाए और इसके साथ साथ मस्जिद को गंदा ना किया जाए और बहुत बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए कि जब हम मस्जिदों में जाए मस्जिदों को इस्तेमाल करें तो वहां पर बहुत बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए क्या होता है हमारे पास गंदे मंदे से टिश्यूज होते हैं जो हम बस यूं ही लापरवाही में इधर उधर फेंक दिए या कुछ और छोटी मोटी कचरा होता है जो कि हम यू ही छोड़ देते हैं तो ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए या फिर ये कि हमारे पास या जैसे होता है ना कि समटाइम्स आदत सी होती है अच्छा हाथ में कोई पेंसिल है तो खाम खा में दीवार पे जो है वो यूं यूं स्क्रैच करना शुरू कर दिया लाइन्स लगाना शुरू कर दी या किसी के अगर नाखून नहीं बड़े हैं तो वो यानी डिफरेंट आदतें होती हैं बेसिकली इंसानों में तो आदत के बिना पर ही जो है बस कहीं ना कहीं पे आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करके वहां पर मस्जिद में आ रहे हैं तो इंसान यानी बहुत मोहतात रवैया होना चाहिए और इसी तरह वॉशरूम्स जब यूज़ करते हैं तो उस मामले में भी जो ना बहुत बहुत एहतियात रखनी चाहिए जितना ख्याल हम अपने घर के वॉशरूम में करते हैं कि अच्छा पानी का मैस ना हो और जो है टिश्यूज इधर उधर हमें बिखरे हुए ना नजर आए इससे कहीं ज्यादा बढ़कर जो है ना वो मस्जिद और मस्जिदों की तमाम चीज़ों का जो है हमें ख्याल रखना चाहिए और ये कि अगर कुछ हमसे गिर जाता है कुछ भी खाना पीना या कुछ भी ऐसी चीज तो यानी उसको छोड़ना जो है ना ये बहुत ही गलत चीज है यानी काइंड ऑफ ये है यानी गुनाह है कि साहबा इस चीज को गुनाह समझते थे कि अगर उनसे मस्जिद गंदी हो गई और उन्होंने साफ नहीं किया और अपनी गंदगी को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया तो यानी कुछ भी अगर इंसान से एक्सीडेंटली हो सकता है इंसान है कुछ भी अगर हो गया तो वो बुरा नहीं है बुरा क्या है कि आप अपनी गंदगी को एज इट इज जो है छोड़ के आ रहे हैं उसको सही नहीं करके आ रहे तो अगर कुछ हो जाए तो उसको भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो साफ जो है वो कर देना चाहिए यही बेसिकली इस गुनाह का कफारा है यानी ये गुनाह है कि मस्जिद को गंदा किया जाए और इसका कफारा क्या है कि उसकी सफाई कर दी जाए और ये चीज भी पता चल रही है कि दीन में जो है ना सफाई बहुत बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इबादत का कहा गया कि यहाँ पर अल्लाह के के साथ किसी को तो शरीक ना ठहराया जाए तो दूसरी बात जो है वो सफाई की हो रही है और अगर हम देखें कि सिर्फ जगह ही साफ नहीं है बल्कि हमें अपनी पर्सनल जो सफाई है ना उस पर भी बहुत ज्यादा जोर पता चलता है कि जिसम की सफाई भी जो है ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए और जैसे कह लें कि पांच वक्त तो हमें वजू ही करना होता है उस वजू में भी देखें कि हाथ आपने थारोली वॉश करने होते हैं और गले जो है वो रेंस करना होता है यानी कुल्ली करनी होती है और नाक जो है वो उसको साफ करना होता है अच्छे से तो अच्छी खासी यानी जो है वो ये सारी चीजें जो है अच्छे से आपको सारी साफ करनी होती हैं और सिर्फ वजू ही नहीं है बल्कि इसके अलावा नहाना भी जो है यानी हो सकता है किसी को आदत हो कि वो कोई पंद्रह पंद्रह दिन ना नहाए लेकिन इस्लाम में क्या है कि जुमे को आपको नहाना ही है यानी आप बेसिकली आ uh, क्या है कि चाहे आप हर रोज ही नहा लें लेकिन एक लिमिट सेट कर दी गई कि जुमे को यानी एक हफ्ते में एक दिन तो लाजिम है कि नहाओ अपने आप को साफ करो और इसी तरह अः uh, जिसम की सफाई सुथराई भी हमें पता चलती है कि जो भी गैर uh, जरूरी चीजें हैं उनको अपने जिसम से जो है वो uh, अलग कर दिया जाए साफ कर दिया जाए तो क्या है इन श्ला बहुत मोहतात रहना चाहिए मस्जिद अल्लाह सुबहाना तला का घर है स्पेशली यहाँ पर तो जो है खाना काबा की बात हो रही है लेकिन बाकी मस्जिदें भी क्या हैं अला सुबह का घर है और जहाँ पर भी अल्लाह सुबहना तला का नाम लिया जाता है उसकी इबादत की जाती है उसके इबादत गुजार बंदे वहाँ पर इबादत करने के लिए आते हैं अल्लाह सुबहाना तुर्ब हासिल करने के लिए आते हैं तो उस जगह को क्या है पाक और साफ रखा जाए और फिर क्या है वह अंत अब ये था कि पहले घर तमीर करने का उनको हुक्म दिया गया अः सलाम को उसकी सफाई का जो हुक्म दिया गया और फिर कहा जा रहा है कि अद्दिन और ऐलान कर दो फिर लोगों में बिलहज हज का अब खाना काबा तमीर कर लिया अब क्या करो हज का ऐलान कर दो हज का ऐलान कर दो लोगों में ताकि लोग आए और यहाँ आकर जो है इस घर का तवाफ करें हज करें और अल्लाह सुबह इबादत करें और जब आप ऐलान कर देंगे इब्राहिम तो होगा क्या या तू का वो आएंगे तुम्हारी तरफ रिजालन पैदल यानी पैदल भी आएंगे और कैसे आएंगे व अला कुल्ली दामिर के दुबली ऊंटनी पर भी आएंगे पैदल भी आएंगे सवारी पर भी आएंगे दुबली ऊंटनी पर भी आएंगे या तीन अंगली फजिन आमीक दूर दराज के रास्तों से भी लोग यहाँ पर आएंगे और सुबह अल्लाह आयत तो ना जब भी पढ़ते हैं तो जिसे कह लें कि एक तरह से ईमान जो है ना बड़ा ताजा हो जाता है रिफ्रेश हो जाता है जस्ट इमेजन के वहां पर क्या था जब इब्राहिम ने अपनी बीवी और बच्चे को वहां पर छोड़ा तो कुछ भी नहीं था और क्या है कि बिल्कुल बंजर और बेयाबान था और वहां पर जो है बाद में हमने देखा कि कबीला जुरहम जो है वहां के लोग जो हैं वो आए पानी की तलाश में आए और जब उन्होंने देखा कि वहां पर जो है कुआं है उसका आबि जमजम का तो वहां पर उन्होंने हजरत हाजरा से रहने की इजाज़त ली तो हजरत हाजरा ने उनको वहां पर रहने की इजाजत इस सूरत में दी कि वो वहां पर रह सकते हैं पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो पानी उन्हीं का है बेसिकली उन्हीं की मलकियत में होगा तो क्या था कि इस तरह से वो कबीला जो था वो वहां पर रहायश पजीर हो गया और उन्हीं के कबीले में से एक लड़की के साथ जो है इसमाइल का जो है वो निकाह हुआ और फाइनली क्या था कि वहां पर थोड़ी कहलें सी जिसे कह लें कि एक छोटी सी आबादी जो है वो बन गई और ये चीज देखें कि ये आ, यानी उस जगह को देखें कि जो अल्लाह सुबहाना तला ने चूज की अपने घर के लिए जहां पर के लोग आए बिल्कुल बंजर बेअान सीवाती यानी वहां पर कुछ उगता नहीं है आज भी यानी वहां पर वो क्या है सारा पहाड़ी सा इलाका है यानी कुछ भी वहां पर उसकी जमीन जो है जरखेज़ नहीं है कुछ भी वहाँ पर ग्रो नहीं करता वो इलाका वो जमीन जो है अल्लाह ताला ने अपने घर के लिए जो है वो चूज की लेकिन सुबहान अल्ला क्या है कि कुछ उगता नहीं है लेकिन वहाँ पर सब कुछ मयसर है सारी दुनिया से हर जगह से वहाँ पर हर तरह का फल सब्जी हर चीज हर नेमत हर रिस्क जो है वहाँ पर फरावानी से पहुंचता है और इसके साथ साथ क्या है कि इंसान का ईमान का लेवल भी जो है ना देखें क्या होता है कि दुनिया के किसी भी जगह पर हो तो वो लो होता है जैसे ही आप उस जमीन पर जाते हैं जो कि अपने आप में बंजर है कुछ उगाती नहीं है लेकिन सुबह अल्लाह वहां पर जाकर ईमान जो है बहुत ग्रो कर जाता है कोई कैसा सा भी मुसलमान हो लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो उसका ईमान क्या है और ज्यादा बढ़ जाता है और क्या था कि इब्राहिम जो है जब उन्होंने घर को तामीर कर लिया तो इसके बाद जो है अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप जो है क्या करें अं ऐलान कर दें आजान दे दें ऐलान कर दें लोगों में कि लोग जो है इस घर के हज के लिए आए अब क्या था कि जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया तो इब्राहिम के लिए ये सरप्राइज था कि यानी कौन से लोग हैं और अल्लाह फरमा रहे हैं कि यानी लोग क्या है कि पैदल आएंगे सवारी पर आएंगे और बहुत दूर दूर के इलाकों से जो है यहाँ पर आएंगे अब इब्राहिम के लिए जस्ट इमेजिन कि वो छोटी सी जगह और वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है और वहाँ पर अल्लाह उनको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग आएंगे तो बेसिकली इंसान जी के लिए नाकबले यकीन सी बात बन जाती है जो कि इब्राहिम के लिए ये सरप्राइज था तो वो कहने लगे कि या मेरी आवाज़ कौन सुनेगा यानी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है तो अल्लाह सब त्या फरमाया कि तुम ऐलान कर दो आवाज़ पहुंचा देना मेरा काम है तो फिर हुआ क्या कि इब्राहिम ने जो है एक पहाड़ पे खड़े होकर जो है पुकारा के लोगो अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है लिहाजा हज को आओ और अल्लाह ताला ने ये आवाज हर शख्स हर शख्स हर उस शख्स और हर उस रूह तक पहुंचा दी जिसके लिए हज मुकद्दर था यानी जिसकी नसीब में हज करना मुकदर था उसके नसीब में था हर उस शख्स तक और उसकी रूह तक अल्लाह तला ने उस आवाज को पहुंचा दिया और उसकी रूह ने उस ऐलान पर कहा तो सुबह यानी क्या है कि इस चीज को हम आज देख सकते हैं कि कहाँ उस बंजर बेवान वादी में इब्राहिम जो है उन्होंने ऐलान किया और क्या था कि लोग जो है उसकी तरफ उस घर की तरफ जो है जूक दर जूक जाते हैं यानी किस तरह से देखें कि लोग जो है जाने के लिए बेताब होते हैं इतना शौक होता है और ये दूर दराज के इलाकों से भी लोग जाते हैं यानी कोई मैटर नहीं करता कि अच्छा कोई बहुत दूर है तो वो कहे मैंने नहीं जाना नहीं कोई कहीं पे भी रहता हो तो उसका क्या शौक होता है कि वो अल्लाह के घर को जाए उसका हज करे और ये चीज देखें कि कब से कायम है और अभी तक सुबह अल्लाह यानी लोगों का वही शौक है उस घर तक जाने का और ये भी चीज अपने आप में देखें कि क्या है कि वहां पर कुछ ऐसा है नहीं यानी होता है ना कि इंसान किसी भी जगह पर जाता है तो उस जगह की या तो ब्यूटी होती है या कोई कोई और ऐसी अमेजिंग कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ है जिसको लोग देखने के लिए जाएंगे और पैसा खर्च करते हैं और शौक से जाएंगे और एक बार देखा अच्छा बहुत खूबसूरत था फिर वापस जाएंगे क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत थी या बहुत मजा आया लेकिन ये जगह देखें कि इंसान जब जाता है इसमें क्या खूबसूरती है बेबान यानी पहाड़ी सा इलाका है कुछ वहां पे खूबसूरती की चीज नहीं है और जो लोग जाते हैं हैं तो वो उठा कर आते मुशक्क़त वाला काम है हज करना जो है इंतहाई मुशक्कत वाला काम है और इंसान को बहुत आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है खूब खूब सबर रिक्वायर है हज करने के लिए लेकिन इसके बावजूद भी जो एक बार ये मुशक्क़त उठा कर आता है इतने पैसे खर्च करके तो आते साथ ही दोबारा उसके अंदर शौक उठता है कि वो फिर से पैसा खर्च करे और फिर से जाकर जो है वहां की मुशक्कत उठाए तो सुबह अल्लाह ये क्या है एक तरह से मोजा है और फिर क्या है ली यश हदू ताकि वो हाजिर हो मनाफिया फायदों को लहम अपने लिए वज करूँ और नाम लें याद कर लें इसम नाम अल्लाह का फी अम दिनों में मालूम जो कि मालूम है किस पर नाम लें अला मा जो हमने उनको रिस्क दिया किस में से फुल उसमें से, उस से वत इमो और खिलाओ अल्बासी जो के फ़कीर है जो के यानी मोहताज है अल फकीर जो के मोहताज है यानी फकीर है तो अब यहाँ पर जो है अल्लाह साली फरमा रहे हैं कि लोग जो हैं वो हज के लिए आएंगे तो क्यों आएंगे यहाँ पर आकर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फायदे भी नफ़े भी हासिल करेंगे और ये भी हमें पता चलता है कि नफे जो हैं दोनों तरह के होते हैं यानी रूहानी तौर पर भी इंसान बहुत से फ़ायदे लेता है यानी वहां पर जाए तो अल्लाह उस घर को देख कर जो है इंसान रूहानी तौर पर थोड़ा अप हो जाता है और फिर वो जगह जैसे सफा मरवा है वहां पर देख करके अच्छा हजरत हाजरा जो है यहाँ पर जो है वो दौड़ी थी पानी के लिए और फिर जो है हजरत जब्राई सलाम जो आए थे और ये के ये सोच करके अच्छा यहाँ पर इब्राहिम थे और उन्होंने ये ये किया इस काबा को तामीर किया और जो है इस शहर में पैदा यानी सारी चीजें इंसान को बेसिकली एक तरह से जो है वो रूहानी तौर पर खासा जो है वो आप कर देती हैं और दूसरे दुनियावी फायदे भी हैं यानी इंसान जाता है, है वहां पर और बहुत सारी है फायदे लेता है बहुत सारे लोगों से मिलता है मुख्तलिफ लोगों के कल्चर देखता है मुख्तलिफ लोगों को देखता है अल्लाह की तस्त का अंदाजा होता है मुख्तलिफुबा उसको सुनने को मिल रही होती हैं और ये कि मुख्तलिफ नई नई चीजों से वो नई नई चीजें उसके सामने आ रही होती हैं तो यानी दुनियावी तौर तो पर भी काफी ज्यादा फायदे हैं जो कि इंसान वहां से इकट्ठे कर लेता है और फिर अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि इन ये जो अयाम मालूमात हैं ये जो मालूम दिन है इनमें क्या है नाम लो अल्लाह का अब ये जो अः अयाम मालूमत हैं यहाँ पर ये क्या है कुर्बानी के दिन है यानी क्या है कि जिन दिनों में हज के बाद यानी ईद का दिन होता है योम नहर होता है और उसके बाद जो है याम तशरीक होते हैं ग्यारह बारह तेरह के आपने जो है इसमें यानी कुर्बानी भी होती है और अल्लाह तला का खूब खूब जिक्र भी होता है तो यानी क्या है कि वो जानवर जो कि मवैशी जानवर हैं और चौपाए हैं और ये बात हम जानते हैं कि अल्लाह ने जो है मवैशी चौपाए जो हैं हमारे लिए हलाल करार दिए हैं तो वो जो रिस्क अल्लाह ताला ने दिया यानी बेसिकली यहाँ पर कुर्बानी की बात हो रही है कि हज में जो है वो कुर्बानी भी की जाती है उन जानवरों को जब कुर्बान करो तो क्या है अल्लाह का नाम उन पर लो और फिर उनको खाओ यानी कुर्बान कर दिया फकुल मिन तो उसमें से खाओ और इसके साथ साथ जो गरीब और फकीर हैं, उनको भी खिलाओ और ये चीज जैसे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, जानते हैं कि जब कुर्बानी होती है उसमें जो कुर्बानी कर रहा है, घर वाले भी खा सकते हैं और दूसरे जो हमसाए रिश्तेदार और गरीब सबका उसमें जो है वो हिस्सा होता है और फिर क्या है सुम्मा फिर लिया कदू चाहिए कि दूर करें तफत अपनी मैल कुचैर वलूफू और पूरी करें नुजू अपनी नजरें और तवाफ करें जो जो के कदीम जो के कदीम कदीम है है यानी घर अब क्या है कि कुर्बानी कर ली यानी सारा बेसिकली हज का चल रहा है कि कुर्बानी हो गई अब जो है वो एहराम में होते हैं हाजी जो है वो एहराम में होते हैं उसके बाद क्या है कि अब ये जो हज चल रहा होता है उसमें आ, जैसे नहाना और शेव करना नाखून कुतरना या ये सारी चीजें कुछ भी नहीं किया जा सकता बेसिकली तो अब वो जो दस दिन खासे मुशक्क़त के इंसान के हज के वो जो दिन गुजर रहे होते हैं तो उसके बाद खासी मैल कुचैल जिसे कह लें कि इंसान पर आ चुकी होती है तो अब क्या है कि कुर्बानी के बाद क्या है कि अब उसको क्या चाहिए कि वो अपनी मैल कुचैल को, को जो है वो दूर कर दे यानी इसके बाद जो है सर मुंडाया जा सकता है नाखून जो है वो ट्रिम किए जा सकते हैं और नहा धोकर जो है वो इंसान फ्रेश हो जाए और इसके अलावा क्या है कि अपनी नजरों को पूरा करो नजरों को पूरा करो नजर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज जिस जो कि लाजिम नहीं होती लेकिन इंसान उसको अपने आप पर लाजिम कर लेता है यानी ऐसी चीज ऐसा अमल जो कि इंसान पर वाजिब और लाजिम नहीं होता लेकिन इंसान खुद ही उसको जो है वो अपने ऊपर जो है वो आ, वाजिब कर लेता है जैसे कि नफल नमाज है नफल अदा करना है हम कहते हैं कि अच्छा मैं इतने इतने नफल जो है वो अदा करूंगी तो बेसिकली इंसान नजर मान लेता है और कहते हैं कि मैं इतने इतने नफल जो है वो अदा करूंगी तो बेसिकली कुछ भी आ, जो भी आ, नजूर हैं जो भी नजरें हैं उनको जो है वो पूरा किया यानी क्या है कि इंसान जब भी अगर कोई नजर माने तो उसको क्या है कि पूरा करें और जैसे कि यहाँ पर ये बात भी हुई कि अपनी मैल कुचैल जो है वो दूर करो तो इसमें फिर देखें कि हमें जो है वो सफाई का पता चल रहा है कि अ जैसे कि अ पांच चीजें ऐसी हैं जो कि जिनको कहा गया कि फित्र खमसा है यानी फितरी खसाइल हैं जो कि कुदरती तौर पर इंसान को ये करने चाहिए ये उसकी उसका बेसिकली काइंड ऑफ हिस्सा है उसकी जात का कि ये चीजें uh, जेन सी हैं इनको हर इंसान को करना चाहिए और वो क्या है यानी फितरी तौर पर ये इंसान में है कि वो इन कामों को करे उसमें क्या है कि जैसे कि पहली चीज क्या है यानी ये जो फितरी खसाइल हैं ये क्या है कि खतना कराना और फिर इसके अलावा जेरे नाफ बाल मूडना और फिर क्या है कि मूंछों को ट्रिम करना और नाखून तराशना और पांचवी चीज क्या है कि अंडर आर्म्स के बाल जो है वो उनको उखेड़ना तो बेसिकली जो है उनको प्लग करना तो ये बेसिकली क्या है ये फितरी खसाइल में से है तो ये भी आ, जिस्मानी सफाई हमें पता चल रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंट है और एंड पे जो है तवाफ की बात हो रही है ये कौन सा तवाफ है चूंकि हज की बात चल रही है तो जो है तवाफ वो जो के हज का रुकन है यानी ये सारी चीजें करने के बाद जो है तवाफ़ जो है वो किया जाएगा और ये हज का तवाफ होता है जो कि तवाफ़ जियारा या इफादा जो है उसको बोलते हैं तो ये लाजिम है जो कि उसको किया जाए अब अब ये सारी चीजें बताने के बाद कि कुर्बानी होगी और सारी जो है वो फिर उसके बाद हेड शेव होगा और नाखून वगैरह ट्रिम होंगे और फिर तवाफ होगा और अब ये सारी चीजें क्या है दालिका दालिका ये तो यानी ये सारे एहकाम हैं ये हज के अहकाम हैं जो कि बताए गए हैं कि इनको इसी तरीके से जो है वो किया जाए ऐज इट इज जिस तरह से अल्लाह साली ने हुक्म दिया इन चीजों को पूरा किया जाए और फिर अल्लाह सुबह तरमारे कि वह मई व मन और जो कोई युवाजम ताज़ीन करता है हरुमा ही अल्लाह की हरमतों का यानी जो कोई भी अल्लाह सुबह की हरमत वाली चीजों की तज़ीम करता है फाह व खैरल्ला बस वो उसके लिए बेहतर है आइंदा रबी ही उसके रब के नज़दीक यानी क्या है कि ये जो चीजें बता दी गई है ये क्या है हरुमा है अल्लाह की हुरमतों में से हैं। मीन और जो कोई भी इन हुरमतों का ख्याल रखेगा ये उसके हक में बेहतर है यानी ऐसा उसको करना चाहिए तो ये उसी को बेसिकली फायदा देगा अल्लाह सन्ना ने हज के मुतिक जो है अहकाम दे दिए जो कि बहुत क्लियर हैं और इनकी ताज़ीम की जाए ताज़ीम कैसे कि इन तमाम अरकान हज को जो है बहुत एहतराम के साथ और अल्लाह सुबहाना दिल में खौफ रखते हुए जो है इन तमाम चीजों को इन तमाम अरकान को जो है वो अदा किया जाए अगर वो ऐसा करता है तो ये चीज़ जो है उस इंसान ही को जो है वो फायदा देगी और बेसिकली जैसे कि हम हराम का वर्ड सुनते हैं तो हराम क्या होता है कि ये नहीं मना करदा चीजें और मना करदा चीजें इसके अलावा क्या है कि इसमें हुरमत की भी बात आती है और हुरमत क्या होती है कि यानी ऐसी चीज जो के काबिल एहतराम हो तो यहाँ पर क्या है कि अल्लाह सुबहाना तला की यानी हरुमा से क्या मुराद है यानी क्योंकि इसमें जो है ना दोनों मीनिंग्स आ जा जाते हैं ना कि हराम जिससे मना कर दिया गया या फिर हुरमत की भी बात आ जाती है कि काबिल एहतराम है तो यानी क्या है कि ये अला सुबहाना अहकामात हैं जो कि उसने दिए हैं ये जो हरूमा अल्लाह हैं ये अल्लाह सुबहाना ताल के अहकाम हैं तो अहकाम हुरूम क्यों हैं कि इनकी इनकी इज्जत की जाए अहतराम किया जाए और ये कि अगर इनके अगेंस्ट आप जाएंगे उस तरह से नहीं करते तो ऐसा करना क्या है हराम है ये मना है और सेकंड चीज क्या है कि जिन बातों से मना कर दिया तो क्या है कि उनसे इंसान रुक जाए और अगर उनसे नहीं रुकता तो वो क्या है हराम के मीनिंग्स में आ जाता है क्योंकि क्या है कि जब हम जो मनासिक के हज हैं उनको अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमें समटाइम्स लगता है कि अच्छा ये क्या बात हुई कि इतने सारे लोग जो है वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और इतनी जो है वो आ, कुर्बानियां दी जा रही हैं इतने जानवरों का जो है वो खून बहाया जा रहा है तो इससे बेहतर है कि कुछ और कर लिया जाए तो ये सारी चीज़ें क्या हैं यानी जिस तरह से अल्लाह ताला ने बताई हैं कि अगर हाजी जा रहा है हज करने के लिए उसे जानवर को कुर्बान करना है तो इस चीज़ को ये क्या है हरुमात ला है ये अल्लाह सुबहाना तला का हुक्म है और इसका एहतराम किया जाए इसकी ताजीम की जाए और इसको एज इट इज जो है वो अदा कर दिया जाए और ये चीज भी कि जैसे अच्छा आ वहां पर जो है उसको मारा जाते हैं कंकर मारे जाते हैं शैतान को तो अगर हम इनको लॉजिकली या अकली तौर पर कुछ चीजों को देखना शुरू करें तो हमें लगेगा कि ये क्या बात तो ये अच्छा कंकर उठाओ तो शैतान को मारो और साथ ही कंकर क्यों इतने ही क्यों तो यहीं यहाँ पर इसीलिए ये जो है ना बड़ी वाजे कर देगी कि ये अरकाने जो ये जो हज के मनासिक हैं इनकी ताज़ीम जो है बहुत जरूरी है यानी इनको बहुत लाइटली सा ना लिया जाए कि अच्छा कंकरी तो मान रहे हैं रमी तो करनी है जैसे मर्जी कर लो नहीं बल्कि क्या है कि पूरे एहतराम के साथ और अल्लाह सुबहाना तला का खौफ रखते हुए जो है उसकी अजमत और बुजुर्गी का खौफ रखते हुए जो है मां, आ, मनासिक को जो है वो अदा किया जाए और फिर सुबह उसके के जो के तुम पर पढ़कर सुनाए जा चुके हैं यानी यहाँ पर जो है अल्लाह सुबह ने क्योंकि कुरबानी की बात है अब कुरबानी किन जानवरों की जाए तो ये भी बता दिया गया कि जो अन आम है जो चौपाए मवैशी हैं वो क्या है वो हिलत हलाल करार दिए गए हैं और एक्सेप्शन जो है वो ऑलरेडी बताई जा चुकी है इल्ला मा युतला जो ऑलरेडी बताया जा चुका है ऑलरेडी कहाँ पर बताया जा, जा चुका है सुर मायदा में जो है आय नंबर थ्री में जो जानवर हराम हैं उनकी लिस्ट हमें दे दी गई है तो उनके अलावा क्या है बाकी जो छुपाए मवेशी हैं वो क्या है जायज और हलाल हैं और फिर अल्लाह सब फरमा रहे एक और हुक्म दिया जा रहा है बस तुम बचो रिजसा गंदगी से मिनल बुतों की और इज्तनाब करो कौल जूरी झूठी बात से दो चीजें हैं अब चूंकि यहां पर देखें ये कहा जा रहा है कि यानी अब ये हज से रिलेटेड चूंकि सारी चीजें चल रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि बुतों की गंदगी से बचो अब बुतों की गंदगी से बचो से क्या मतलब है क्योंकि अभी जो है ना मक्का फता नहीं हुआ था स्टिल वहां पर जो है खाना काबा में बुत पड़े हुए थे और सफा मरवा पे भी वो मक्का ने जो है बुत रखे हुए थे आ, और अब क्या था कि बहुत से मुसलमान जो हैं वो वहां पर इवन के अभी मक्का फता नहीं हुआ था मुसलमान जो है वहां पर हज करने के लिए जाते थे और मुशर्कीन भी हज करते थे क्योंकि बेसिकली वो अल्लाह के मानने वाले तो थे ये अलग बात थी कि वो सात बुतों को शरीक ठहराते थे तो मुशर्कीन भी हज करते थे और मुसलमान भी शामिल होते थे बीच में तो अब मुसलमानों को ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि जब तुम वहां पर हज करने जाओ तो मुशर्क तो जो है वो बुतों की निजाशत में पड़ेंगे तो तुमने जो है अपने आप को बुतों की निजात से बचा के रखना है बुतों की निजात मीनस क्या ये कोई फिजिकल निजाजत नहीं है कि अच्छा जो निजासत आपको नजर आए ये क्या है शिर की निजासत है शिरक अपने आप में क्या है इंतहाई गलीज़ चीज़ है यानी ये चीज करना कि अल्लाह सुबहाना ताल के साथ किसी और को शरीक ठहराना ये क्या है अपने आप में बड़ी गंदी और गलीज़ सी बात है न जा है इस चीज़ में तो क्या है कि अल्लाह सुबहाना ताल की खालिश जो है वहाँ पर इबादत की जाए उसके साथ किसी और को शरीक ना किया जाए और क्या है कि झूठी बात से भी इज्तनाव किया जाए झूठी बात क्या है कि जोर क्या होता है बेसिकली यानी उससे हटी हुई बात जो के असल से हट जाए और ऐसी बात जो के यानी घूमी फिरी हुई सी बात हो या फिर ये के उसमें हेरा फेरी हो और पेचीदगी सी हो यानी बात को घुमा फिरा कर ऐसे करना ऐसी पेचीदगी उसमें डाल देना ऐसे रखने रख देना के बात अपने आप में है तो झूठ पर मबनी लेकिन वो क्या महसूस हो कि ये दुरुस्त हो यानी जूर ऐसा झूठ है झूठ को ऐसे बना संवार कर ऐसी हेरा फेरी के साथ पेचीदगी के साथ ऐसे इबहम के साथ पेश करना कि वो भली और दुरुस्त जो है वो लगे तो यहाँ पर जो है ऐसी बातों से जो है वो अवॉइड करने का कहा जा रहा है और स्पेशली जो है जैसे कि वहाँ पर हज के दौरान जो है वो तलबिया कहा जाता है अल्लाहुम्मा अल्लाब्ब तो वहाँ पर भी यानी झूठ अः ने कैसे शामिल कर रखा था झूठी बात उसमें कैसे शामिल कर रखी थी और ये देखें कि जूर क्या है कि यानी ऐसे बात को झूठी बात को पेश करना कि वो सही मालूम हो तो वो अः जैसे कि यानी तलबिया में भी उन्होंने शिरकिया बातें ऐड कर रखी थी उन्होंने तलबिया के अल्फाज किस तरह से बोलते थे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लबैक यानी अल्लाह मैं हाजिर हूँ ए ला, मैं ए ला, मैं ला शरीक लग, कि तेरा कोई शरीक नहीं और उसके बाद इसके साथ झूठी बात जोर पर मबनी बात कैसी ऐड कर रखी थी इल्ला शरीकन हु सिवाय उसके कि जिसको तू खुद ही अपना शरीक ठहरा ले यानी वैसे तो तेरा कोई शरीक नहीं है ला शरीक अलग लेकिन क्या है एक्सेप्शन क्या है कि जिसको तू तो खुद ही अपना शरीक ठहरा ले तो ये बेसिकली उनकी झूठी बात थी जो कि उन्होंने शामिल कर रखी थी तो यहां पर जो है मुसलमानों को क्या कहा जा रहा है कि वो बुतों की गंदगी से अपने आप को बचाएं और झूठी बात से जो है वो कौल जूर जो है उससे अपने आप को बचाएं और इसमें जो है हमें ये भी पता चल रहा है कि झूठ जो है ना ये कोई मामूली चीज नहीं है और शिरक अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है शिरक जो है अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है ये एक खास मानी है यानी जो कि उसके कॉन्टेक्ट में है हज के कॉन्टेक्स्ट में है लेकिन अगर हम आम मीनिंग्स में लें तो भी क्या है कि हर किस्म के झूठ से जो है ना इंसान को बचना चाहिए चाहे वो मामूली सा है तो चाहे वो बहुत बड़ा है और ये के यानी क्या है कि जैसे कि एक हदीस से भी हमें जो है ना इसकी अः उसकी शिद्दत का पता चलता है कि किसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों के मुतलिक ना बताऊं तो साहबा ने फरमाया कि हाँ बताएं तो उसके बाद क्या है कि आप जो है यानी तकिए के साथ टेक लगाए हुए थे जब आप ये बात कर रहे थे तो आपने क्या फरमाया कि शिरक करना यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना माँ बाप की नाफरमानी करना ये बातें आपने तकिए के साथ टेक लगा कर की इसके बाद आप तकिए से हट गए और क्या कहा कि झूठ जूट बोलना झूठी गवाही देना और झूठ जूट बोलना झूठी गवाही देना आपने इतनी बार रिपीट किया कि सहाबा के अंदर ये ख्वाहिश हुई कि आप ना यानी अब खामोश हो जाए यानी आपने ये बेसिकली इतना ज्यादा उस पर फोकस्ड हुए इतना ज्यादा उस पर जोर दिया इस बात पे कि झूठ बोलना और झूठी गवाही देना झूठ बोलना और झूठी गवाही देना और एक और हदीस में भी हमें पता चलता है कि हलाकत है और तीन बार ये फरमाया कि हलाकत है हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले तो क्या होता है कि समटाइम्स हम खाम खां जो है ना छोटी छोटी चीजें होती हैं और हम जो है वो यानी दो नंबर तरीके से उस बात को कर जाते हैं तो अवॉइड करना चाहिए यानी बेसिकली क्या है कि हर मामले में अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए छोटी छोटी चीजों से ही इंसान जब अवॉइड करता है तो आप बड़ी चीजों से भी बचने के काबिल हो जाते हैं जब इंसान छोटी छोटी चीजों को करता रहता है नॉर्मल में लेता रहता है तो यकीन करें छोटे झूठ बोलने वाले को बड़ा झूठ बोलना कोई मुश्किल नहीं लगेगा लेकिन एक शख्स छोटी छोटी बात મેબી અપને આપકો જૂઠી ઓર ગલત બાત સે બચاتا હે તો વો બڑا જૂઠ તો اس کے لیے બહોત બડી બાત બન જાયેગા ઓર યે ભી ક્યા હોતા હે યની એક તો Zuban સે જૂઠ હોતા હે એક अमल કા ભી જૂઠ હોતા હે अमल કા જૂઠ કૈસે હોતા હે કે ખામ ખામ મે બડી બડી બાતેં કરના ઇન્સાન ઉતના હોતા નહીં હે જિસે કહેતે હે ને બડકે મારના आप उतने हैं नहीं जितना आप बातों के जरिए से जो है या और कुछ चीजें आपने ऐसी रखी हुई हैं करी हुई हैं कि जिससे आप दूसरों के सामने शो कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े हैं अपनी हैसियत से बढ़कर जो है अपने आप को जाहिर करना और इसके अलावा यानी बच्चों के साथ भी हमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि खाम में जो है वो आ, यानी दो तरह की बात नहीं करनी चाहिए यानी जिसे कहना लेना के आ, हेरा फेरी वाली बात होती है मसलन क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें बच्चों से सिर्फ जान छुड़ाने के लिए ओके कर देते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा करेंगे जबकि हमें पता होता है कि हमने नहीं करना तो उन मामला में भी हमें जो है ना बहुत केयरफुल रहना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों में आ, सच्चाई को जो है वो अपनाना चाहिए सच्चाई जो है हमेशा इंसान को फायदा देती है ये प्रिंसिपल हमें याद रखना चाहिए क्योंकि गलत बात की तरफ इंसान आता क्यों है उसे लगता है कि अच्छा सही बात की तो शायद गड़बड़ हो जाएगी यकीन करें सच कहने से कभी गड़बड़ नहीं होती सच कहने से कभी नुकसान नहीं होता हमेशा हर हाल में सच्चाई इंसान को फायदा देती है उस दुनिया में भी फायदा देगी और आखरत में भी जो वो फायदा देगी और फिर क्या है के हु नफा आ सिर्फ यकसू होकर ला ही ला के लिए वशर ना के शरीक ठहराने वाले भी ही उसके साथ यानी जब इंसान वहां पर जाए तो खालिश अल्लाह के लिए हो हर काम हर इबादत हर नेकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर हो उसके साथ किसी और को शरीक यानी ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा वहां जाकर इंसान इतने ज्यादा जो है उम्रे कर ले और क्यों कर रहा है ताकि बाद में मैं जाके बता सकूं लोगों को कि वाह मैं गया था और मैंने तो जो है वो इतने उम्रे की ये और मैंने ये किया और मैंने वो किया तो बेसिकली हर काम हर नेकी हर इबादत जो है क्या होनी चाहिए खालस की तरफ जो है अल्लाह के लिए यकसू होकर और फिर अल्लाह सुबह फरमारे कि वह मई युश जो शरीक करेगा अल्लाह के साथ फक नमा पस गोया के वो खर्रा गिर पड़ा मिनसमाई आसमान से फूहू फिर उचक ले जाए उसे अतयरू परिंदे अव या तहवी फेंक दे भी ही इसे हवा फी मकानिं सहीग। किसी दूर की जगह में अब यहाँ पर जो है सारी बातें बता दी गई और फिर एंड पे जिस चीज की तमभीही की जा रही है कि खालिस अल्लाह के लिए हर काम करो उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और ये बात याद रखनी चाहिए कि रयाकारी भी जो है वो शिरके असगर है नेकियों को रिया के लिए करना दिखावे के लिए करना ये भी क्या है के असगर है तो अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है किसी भी काम में तो उसकी मिसाल कैसे है कि वो आसमान से गिराओ उसको आसमान से गिराओ और फिर परिंदे उसको उचक लें और ये कि हवा किसी दूर जगह उड़ाकर उसको फेंक दें यानी बेसिकली ये जो मिसाल दी जा रही है ना कि आसमान से गिरे फिर परिंदे उसको उचक लें या हवा उड़ाकर उसको दूर किसी जगह में फेंक दे इसका जो खुलासा है वो ये है कि जो शख्स भी अल्लाह सुबहाना तला के साथ शरीक ठहराता है उस शिर के साथ वो जितने मर्जी बड़े बड़े काम कर ले वो काम उसके जो है ना उसको बिल्कुल कोई फायदा नहीं देने लगे बल्कि क्या है कि उसके सारे के सारे नेक अमल जो है ना बिल्कुल जीरो हो जाएंगे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे उनको कत्तन भी उनका कोई फायदा नहीं मिलने वाला तो बेसिकली ऐसा इंसान क्या है हलाक हो गया बर्बाद हो गया बिल्कुल उस शख्स की तरह जो कि आसमान से गिर पड़ा उसको परिंदों ने उचक लिया या हवा ने उसको बहुत दूर कहीं जाकर फेंक दिया तो जब आप सुनते हैं कि कोई आसमान से गिर पड़ा बुलंदी से गिर पड़ा तो जहन में क्या आता है हलाकत ही आती है तो बेसिकली शिर जो है वो इंसान की बड़ी बड़ी नेकियों को भी जो है वो खत्म करके रख देता है तो इस मामले में जो है ना और ये भी चीज कही जाती है ना कि हमें लगता है कि नेकी करना मुश्किल है नेकी करके नेकी की हिफाजत करना जो है ना बहुत मुश्किल है नेकी करके उसको प्रिजर्व करना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपनी नीयत के खलूस को कायम रखना और ये कि उसमें कोई भी आमेज ना हो सके ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन क्या है कि अपनी नीयतों को जो है ना हमेशा चेक करते रहना चाहिए और नेकियां जो है ना खालिसतन खालसतन खालिसतन जो है वो अल्लाह सुबहाना ही की खातिर होना चाहिए उसमें कोई दिखावा कोई रयाकारी जो है वो उसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे क्या है कि नेकियां जो है वो बर्बाद हो जाती हैं और एक और इम्पॉर्टेंट लेसन जो है हमें इब्राहिम के उससे पता चला कि जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप जो है वो आज़ान दें और इब्राहिम ने आजान दी और हमने देखा कि उसका एंड रिजल्ट बड़ा अच्छा निकला यानी क्या था कि लोग जो है इतने ज्यादा वहां पर जाते हैं और हज के लिए जाते हैं तो बात क्या पता चल रही है कि ये मैटर नहीं करता कि अच्छा आ, यानी हम इतना का काम करें तो इससे क्या फायदा होगा यानी अगर मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा कर भी लू मैं अगर एक शख्स को किसी नेकी की तरफ बुला लूँ तो इससे क्या फर्क पड़ने लगता है इतने लोग तो सुनते नहीं है मेरी बात नहीं यानी क्या है कि हमारी कैपेसिटी हमारी जितनी सलाहियत है ना उसके मुताबिक हमें अपना काम कर देना चाहिए अपनी कोशिश डाल देनी चाहिए बाकी क्या है रिजल्ट्स जो है ना उसका नतीजा क्या निकलेगा ये अल्लाह सुबहाना तला की पर छोड़ देना चाहिए और खूब खूब जो है दुआ करनी चाहिए खालिश होकर जो है ना किसी भी काम को कर लेना चाहिए ये सोच करके अच्छा इसका तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा क्या फायदा अगर एक शख्स जो है वो सुनेगा मेरी बात इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यानी वहां पर जो है इब्राहिम को कोई सुनने वाला नहीं था लेकिन उनका खलूस इतना था कि अल्लाह ताला ने कितने लोगों को सुनवा दिया और कितने लोग वहां पर हज करने के लिए जाते हैं तो सुबह अल्लाह हमारा काम क्या है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है जितनी हमारी सलाहियत है उसके मुताबिक हम अपनी कोशिश अल्लाह सुबहाना तला के दीन में डाल दें उसके बाद नतीजा क्या है वो अल्लाह सुबहाना तला पर है और क्या है कि खालिस हों और उसके साथ साथ क्या है कि अल्लाह ताला से जो है वो दुआ भी करें क्योंकि इब्राहिम के बारे में पता चलता है कि उन्होंने खाना का तामीर किया और फिर उसके बाद दुआ भी की कि लोग जो है यहाँ पर आए और आकर जो अल्लाह तला की इबादत करें तो अलहमदुल्ल यही पर जो इनशा लेसन जो अपना एंड करते हैं अभी जो है इसी से रेलीवेंट आया जो इनशा आगे भी नेक्स्ट लेसन में भी इनशाला कंटिन्यू होंगी So, la, wa wa <Sessizos> जी जी आ,